गुड मॉर्निंग दोस्तों, गाड़ी बैक करने की प्रैक्टिस कैसे करते हैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। आपने ये वाली प्रैक्टिस किसी खाली रोड के ऊपर करनी है। मैं सिर्फ दो ईंटों के सहारे से ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने रोड के लेफ्ट साइड के ऊपर दो ईंटें रख दी। अब मैं गाड़ी बैक करने की यहाँ पे प्रैक्टिस करूँगा और लेफ्ट साइड की जजमेंट की। अब मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड के शीशे की मिरर की सेटिंग इस तरह से की है कि मेरे को गाड़ी का ये वाला नीचे वाला टायर नज़र आ रहा है, और मैं जब गाड़ी पीछे थोड़ी सी लेके जाऊँगा तो मेरे को ये वाली ईंट भी आसानी से नज़र आएगी। गाड़ी का बैक गेट डाला हुआ है ये वाले मिरर में देख के मैं धीरे धीरे गाड़ी पीछे लेके जाऊँगा ये वाली ईंट से बचा के। ऐसा करने से आपको गाड़ी बैक करने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और गाड़ी के लेफ्ट साइड की जजमेंट की प्रैक्टिस भी होगी। आपने जब भी गाड़ी बैक करनी है ये वाले मिरर में जरूर देखना है, दोनों तीनों मिररों में देख के फिर ही गाड़ी बैक करनी है। आपने बिल्कुल स्लो गाड़ी बैक करनी है, बिल्कुल हल्का सा एक्सलेटर के ऊपर पैर रखा हुआ है, बिल्कुल धीरे धीरे जा रहा हूँ पीछे में और लेफ्ट साइड के मिरर में लगातार देख रहा हूँ। बिल्कुल स्टेयरिंग मैंने सीधा रखा हुआ है, स्टेयरिंग मेरा मुड़ा नहीं हुआ। स्टेयरिंग के ऊपर भी आपने पूरा पूरा ध्यान रखना है। आपको कैमरे में ये लेफ्ट साइड का मिरर ज़्यादा अच्छी तरह से नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मेरे को बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। आप भी अगर अपनी गाड़ी में बैठेंगे आपको भी बिल्कुल साफ नज़र आएगा। लेफ्ट साइड की जजमेंट की गाड़ी बैक करने की प्रैक्टिस अगर शुरुआत में आप कर रहे हो तो किसी खाली रोड के ऊपर करें, खाली मैदान के ऊपर करें। आपने बार बार इस ईंट के साथ में गाड़ी निकालनी है और गाड़ी बैक लेके आनी है। इस चीज़ से आपकी गाड़ी बैक करने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और गाड़ी की लेफ्ट साइड की जजमेंट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब दूर से देखने से ये ईंट मेरे को गाड़ी के बिल्कुल सेंटर में नज़र आ रही है। अब मैं अपनी गाड़ी दोबारा इसके पास में से लेके जाऊँगा। आपने गाड़ी के दोनों फ्रंट टायर की जजमेंट करनी है, इसकी फीलिंग समझनी है। आपको पता होना चाहिए आपकी गाड़ी के दोनों टायर रोड के ऊपर कहाँ पे चल रहे हैं। टायरों की जजमेंट समझने के लिए आप एक छोटा सा काम और कर सकते हैं। आप रोड के ऊपर छोटा सा एक पत्थर रख दें, उस पत्थर के ऊपर अपनी गाड़ी का कभी लेफ्ट साइड वाला टायर ऊपर से लेके जाएं और कभी राइट साइड वाला टायर ऊपर से लेके जाएं। ऐसा करने से आपको टायरों की फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। इससे ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिस टायरों की जजमेंट की कोई हो ही नहीं सकती। अब वो वाले मिरर में देख रहा हूँ, वो देखो सामने मिरर में मेरे को मिरर में ये वाला डाउन किया हुआ, थोड़ा सा डाउन इसलिए किया क्योंकि मेरे को ईंट आसानी से नज़र आ जाए। ठीक है, अब ये वाले मिरर में देख के मैं स्टेयरिंग को अपना सीधा रखूँगा, स्टेयरिंग को सीधा रखने की कोशिश करूँगा, सीधा सीधा लेके जाना है। अगर आपका हल्का सा भी स्टेयरिंग टेढ़ा मेढ़ा होगा तो गाड़ी उस तरफ चल जाएगी, अगर इस तरफ को स्टेयरिंग होगा तो गाड़ी इस तरफ को चल जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है स्टेयरिंग का। बैक करते समय स्टेयरिंग संभालना आपको आना चाहिए, स्टेयरिंग की प्रैक्टिस करनी है, स्टेयरिंग संभालने की जब भी गाड़ी बैक करनी है। ये मिरर में देख के ही गाड़ियाँ बैक करनी है आपने, ये मिरर में देखे, ये वाले मिरर में देख के, वो वाले मिरर में देख के, ये वाले मिरर में देख के अपनी गाड़ी हमेशा बैक करनी है। अगर वो साइड आपकी ज़्यादा नैरो है, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है भी उस साइड दीवार है या कोई चीज़ है, तो आपने वो वाले मिरर में ज़्यादा देखना है, ये वाले मिरर में देखना है और दोनों मिरर में देखना है। तो धीरे धीरे जब भी गाड़ी बैक करनी है आपने धीरे धीरे करके गाड़ी बैक करनी है, ज़्यादा फास्ट तेज़ी से कभी नहीं करनी। ठीक है, गाड़ी जब भी बैक करनी है आपने धीरे धीरे करनी है, तेज़ी से नहीं करनी। अब मैं धीरे धीरे करके लेके जा रहा हूँ गाड़ी। आपने इस लेफ्ट साइड वाले शीशे की तरफ देख के ही गाड़ी बैक करनी है। कैमरे में व्यू अच्छा नहीं दिख रहा लेकिन मेरे को बिल्कुल सही व्यू दिख रहा है। इसके अंदर मेरे को गाड़ी का पिछला टायर और ये ईंट साफ नज़र आ रही है। कैमरे का और आँखों का जमीन आसमान का अंतर होता है, जो चीज़ आप आँखों से देख सकते हो वो चीज़ आपको कैमरा नहीं दिखा सकता। ठीक है, आसानी से मैंने गाड़ी बैक कर ली वो ईंट को देख के, अब दोबारा लेके जाऊँगा। आपने इस तरह काफ़ी बार प्रैक्टिस करनी है, ऐसे गाड़ी बैक आगे लेके जानी है, गाड़ी बैक करनी है, ये देखो। ठीक है, अभी मैंने थोड़ा तेज़ कर दिया लेकिन आपने ज़्यादा तेज़ी नहीं यूज़ करनी, धीरे धीरे करके। ये देखो ईंट देख ली मैंने, स्टेयरिंग भी संभालना है अपने, स्टेयरिंग फिर दोबारा लेके जा रहा हूँ। इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी गाड़ी चलाना आ जाएगा, आपको गाड़ी बैक करने में कोई परेशानी नहीं होगी और साइड जजमेंट भी बहुत ज़्यादा जल्दी सीख जाओगे। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ड्राइविंग से रिलेटेड हर तरह की वीडियोज़ पड़ी हैं और मैं डेली न्यू वीडियो अपलोड करता भी रहता हूँ। अगर किसी का डाउट है, किसी का कोई सवाल है तो मेरे को कमेंट जरूर करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।